हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान दिनांक 7/2/2022 अध्याय 5 गति के नियम, टॉपिक भी आपके गति के नियम की जो वर्कशीट है ये उस वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका वर्कशीट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्न को परिभाषित कीजिए, मतलब आपको इनकी परिभाषा देनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जड़त्व, आपको जड़त्व की परिभाषा देनी है। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपके जड़त्व की परिभाषा क्या होगी, वह कारक जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। तो ये हो जाएगी आपके जड़त्व की परिभाषा। इसके बाद आपको इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा था संवेग, आपको संवेग की परिभाषा देनी है। तो संवेग की परिभाषा होगी किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि सदिश P इज इक्वल टू एम इंटू सदिश V। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रखा है कि गति के नियमों का एक एक उचित उदाहरण लिखिए। पहला है गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम, दूसरा है गति का द्वितीय नियम या फिर संवेग परिवर्तन का नियम, या फिर तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब आपको न्यूटन की गति के तीन नियम है, तीनों नियमों का एक एक उदाहरण देना है। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण। तो हो जाएगा आपके प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम या फिर जिसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो इसका उदाहरण होगा आपके, जब किसी दरी या कंबल को हम डंडे से पीटते हैं तो दरी या कंबल तो गतिशील हो जाती है, परंतु धूल के कण होते हैं वो जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहते हैं और गुरुत्व के प्रभाव में गिर जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके न्यूटन की गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व के नियम का उदाहरण। इसके बाद न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण होगा आपके, आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट में खिलाड़ी खेलते हैं और जब भी उनको कैच आता है तो वो कैच को पकड़ने के लिए अपने हाथों को क्या करते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं। पीछे की ओर क्यों ले जाते हैं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन होगा, वो धीरे धीरे होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हमें बल कम लगेगा। इसलिए क्रिकेट में खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर ले जाता है। ये तो आपने समझ लिया, अब आपको इसको थ्योरिटिकल लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से लिखना है। अब हम देखते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम या फिर जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिक्रिया लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। तो इसका उदाहरण आपको मैं पहले ये समझाता हूँ कि जब कोई व्यक्ति होता है वो पानी को पीछे की ओर धकेल कर क्रिया करता है तो पानी भी उतनी ही प्रतिक्रिया से आगे की ओर धकेल देता है। इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा जब भी कोई नाविक होता है तो वो जितनी क्रिया से पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो पानी भी क्या करता है, उतनी ही प्रतिक्रिया से व्यक्ति को आगे की ओर धकेल देता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन की गति के तृतीय नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रखा है कि एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको क्या करना है, एक न्यूटन की परिभाषा देनी है। तो एक न्यूटन की परिभाषा आप किस तरीके से दोगे, यदि एक केजी द्रव्यमान, मान लो कि आपके पास कोई एक केजी द्रव्यमान की वस्तु है और एक केजी द्रव्यमान की वस्तु में एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो वस्तु पर कार्यरत बल एक न्यूटन होता है, क्योंकि आप जानते हो कि बल किसके बराबर होता है, मा एम ए। मतलब अगर एक केजी द्रव्यमान की वस्तु है और उसमें एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो वस्तु का बल कितना होगा, एक न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर फोर है, वो क्वेश्चन नंबर फोर मैंने आपके लिए रखा है, आप इस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपसे हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक ये सब पता होने चाहिए तो ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है आवेग संवेग प्रमेय को समझाइए। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर।
तो अब मैं इस आवेग संवेग प्रमेय को इतना अच्छे तरीके से तो अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको वर्कशीट को सोल्व करा रहा हूं। तो अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, और ये प्रमेय आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अब हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है उनको हम डिटेल से समझाएंगे। तो आवेग संवेग प्रमेय के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए अभी फिलहाल, कि किसी भी बल का आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसे हम सूत्र के रूप में लिखना चाहे तो I=P2-P1=ΔB। अब आपको क्या करना है कि आप जानते हो कि I होता है वो किसके बराबर होता है, FdT। तो अब हम इसका समाकलन कर देंगे और इसकी लिमिट T1 से लेकर T2 तक। फिर हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या जानते हैं कि F=dP/dt। अब इसका वृद्ध गुणन कर देंगे तो FdT=dP। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस इनका समाकलन करना है। लिमिट लग जाएगी T1 से T2 और इसके अंदर लिमिट लग जाएंगे आपके P1 से P2। यह आपको इंटीग्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको समीकरण एक वह समीकरण दो से क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि जो I होता है वो किसके बराबर होता है, I=dP लिमिट है P1 से P2। तो dP यदि अगर dx होता है तो वो किसके बराबर होता है, x के। तो dP किसके बराबर हो जाएगा, PK। और अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लगा देंगे P2 और P1। तो अब हम क्या करेंगे, P की जगह एक बार P2 रखेंगे और P की जगह एक बार P1 रखेंगे। तो हमारे पास I का क्या माना जाएगा, P2-P1, या फिर जिसे हम ΔPP बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आवेग संवेग प्रमेय को सोल्व करना है। अभी तो मैंने आपको बस इतना ही बताया है, हम और वीडियोस बनाएंगे, इसके अंदर आपको इस प्रमेय को डिटेल से और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।